क्या है प्रोसीजर? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। 40 बड़े घोटालों के सरदार हैं मुख्यमंत्री जी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने तो बड़े कारनामे किए। अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने भाई को EWS के अंतर्गत नौकरी दिलवाई। खुद प्रोफेसर, पत्नी प्रोफेसर, 2016-17 में उन्होंने 24 लाख रुपया अपना आय दिखाया है, जिसमें 17 लाख उनका खुद का है, 36 लाख की चल संपत्ति और 76 लाख की अचल संपत्ति उन्होंने अपने चुनाव के दौरान अपना संपत्ति दिखाया है चुनाव आयोग को। 2021 में 65 लाख की जमीन मात्र 12 लाख रुपए में अपनी मां के नाम पर दबाव बनवाकर लिखवाने का काम मंत्री जी ने किया। 1,26,00,000 की जमीन मात्र 28 लाख रुपए में लिखवाने का काम मंत्री जी ने दबाव बना के किया। और कहते हैं कि हमारे भाई गरीब हैं और गरीबी कोटा के अंतर्गत अपने भाई को प्रोफेसर बनवाने का काम करते हैं, जिनकी पत्नी स्वतः मोतिहारी में डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर है। आपको याद होगा मिर्जापुर का मिड डे मील योजना, एक पत्रकार ने जब नमक रोटी के सवाल को उठाया था, यही मंत्री जी थे जिन्होंने उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने का काम किया। 2021 में अभी पंचायत चुनाव के दौरान 1,621 शिक्षक इस पंचायत चुनाव के दौरान काल के गाल में समा गए। मंत्री जी ने 3 की संज्ञा दी। आप जानते होंगे आगरा में एक शिक्षिका जो कस्तूरबा गांधी में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी, 26 जगहों पर उसके नौकरी, जिसका प्रिया नाम से वो नौकरी कर रही, जिसका ओरिजिनल नाम प्रिया है और अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी, 1 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा उसने सरकारी धन इसी सरकार में, इसी मंत्री जी के कार्यकाल में पूरी तरह लूटने का काम किया। पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां आपने देखा कि किस तरह जो पिछड़े और दलितों के हक पर डाका डालने का काम मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ, इन सभी मांगों को लेकर कि तत्काल मंत्री जी की बर्खास्तगी की जाए और साथ ही साथ बिना वैक्सीनेशन कोई परीक्षा न हो, इन्हीं मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी लगभग 20,000 से की अधिक संख्या में हर जनपद मुख्यालयों पर, गांव में, घरों में हमारे सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी लोग धरने पर आज बैठे हुए हैं और इस सरकार को कुमकड़ी नीच से जगाने के लिए बैठे हैं। जब तक बेसिक शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन जारी रखेगी।